जय भोजपुरी रोवा लोक से गुनी होरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और एक घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूँकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के अमिताभ बच्चन साहब की ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज़्यादा देखता था इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर ख़ानदान का नाम था ही राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर ये थर्ड जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं एक्टिंग, इतने आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म हो मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि करोना वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था और न्यूयॉर्क से बढ़िया लौटे थे और ही वॉज देयर कि मैं अभी अच्छी फिल्में करूँगा, स्क्रिप्ट आ रही हैं और मैं दोबारा पर्दे पर आऊँगा। और बहुत वो इस मामले में बहुत पॉजिटिव थे, कल इरफान भाई के गम से निकले ही नहीं थे। एक लेजेंड एक्टर को खोए इरफान भाई को, एक दोस्त को मैंने कल खोया, उस गम से निकल के सुबह नहीं हुई कि ये खबर आ गई और इनका जाना क्वाइट शॉकिंग रहा। जहाँ अभी परिवार में सब खुशियाँ ये देख रहे थे, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, भारत के लिए, हम फिल्म वालों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये काला दिन रहा ये दो दिन। ये क्षति ऐसे कलाकार दोबारा नहीं आएंगे, इनकी जगह नहीं भर। सबसे ज़्यादा दुखद जो मुझे लग रहा है, जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि अपने फेवरेट कलाकार का या अपने सीनियर का दर्शन जब आप नहीं कर पाते तो मन में वो सारी बातें रह जाती हैं। काश मैं उनको देख लिया था, चेहरा ऐसा था, सोए थे, ठीक थे, थोड़ा चेहरा ये हुआ वो हुआ और मन में एक आदमी वो छवि को लेके थोड़ा शांत होता है। अब उनको देख भी नहीं पा रहे हैं और वो ना फैंस मिल पाएंगे ना हम फिल्म वाले मिल पाएंगे और वो चले जाएंगे और वो चले गए। ये पल और ये समय है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार, ये साल 2020 हमने जितने उत्साह और जोश के साथ एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए शुरुआत किया था, अब वो उतना ही दुखमय और कष्टदायक होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, नौकरी व्यवसाय पूरी तरह से ठप है, जनजीवन जो जहां पर है वहीं पूरी तरह से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश और बर्फ के गोलाबारी से किसानों की फसलें बर्बाद होती नजर आ रही हैं। वहीं इधर हमारे भारतीय सिनेमा ने दो ऐसे अनमोल रतन, ऐसे जाबाज, जिंदा दिल, वर्सेटाइल एक्टर्स को खो दिए हैं जो हर दिल अजीज थे, जो जिस वक्त में जिस रूप में भी बड़े पर्दे पर आए सबके दिलों पर छा गए। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई बहुत बुरा सपना देख रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं ये हकीकत है, कोई सपना नहीं है और हम सब मिलकर भी इसे बदल नहीं सकते। मैं प्रदीप पांडे चिंटू आज श्री ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब को दिल से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने शरण में जगा दें। मैंने दिल से कहा
ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। इरफान खान साहब, आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है आपके चले जाने से। जाना हर इंसान को है, पर ऐसे जाएंगे सोचा ना था। आप एक ऐसे उम्दा अभिनेता थे कि आपकी कमी जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री है कोई नहीं भर सकता है। आप मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक रहे हैं, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। जब भी चैलेंजिंग रोल मुझे करना होता था या करना होता है, मैं आपके कुछ फिल्मों के कुछ सीन्स जरूर देखता हूँ। आन फिल्म का वो सीन जिसमें आपको अक्षय कुमार लेकर के जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और आप वो रुक करके अपने मोहल्ले की औरतों को बोलते हैं, वो सीन माइलस्टोन सीन है। ये तो एक सीन है, ये बात करने का वक्त नहीं है। ना जाने ऐसे कितने सीन्स, ना जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं जो मुझे हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। लव यू इरफान भाई, आप हमेशा दिल में रहेंगे। यश कुमार की तरफ से आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रणाम। आज बड़ी दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि दो दिन में हम लोगों ने दो इतिहास के पन्ने को खो दिया। लगता है कि दुनिया की सारी दुख हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे ही पड़ गई। वो इतिहास है, इतिहास थे और इतिहास शायद रहेंगे। इरफान खान जी, जिनको देख कर ये समझ में आता था कि एक्टिंग होता है क्या, क्योंकि वो कभी एक्टिंग किए ही नहीं। लगता था कि नेचुरल कुछ हो रहा है और उन्हें देखकर मुझे लगता है कि करोड़ों लोग उन्हें देखकर एक्टिंग किए और एक्टिंग सीखे और अपना घर परिवार चला रहे। आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड को सुना करके इरफान खान जी चले। और एक इतिहास का पन्ना और मानिए, हमारे पिता तुल जिनको देखकर शायद हम पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस समय से वो हमारे इंडस्ट्री को गोद में लिए हुए हैं और इंडस्ट्री के लोग नहीं पूरे हिंदुस्तान उनको गोद में खिलाया। माननीय ऋषि कपूर जी, ऋषि कपूर साहब आज हमारे बीच नहीं रहे, तो दो दिन में हम लोगों ने दो इतिहास के पन्ने को खो दिया। बट उनका किया हुआ, मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी, जब तक आसमान रहेगा, तब तक उनका किया हुआ चीज हम लोगों के बीच में रहेगी। बस एक बात की तकलीफ है कि शायद वो रहते दोनों तो हमारे आने वाली पीढ़ी और कुछ सीख सकती थी उनसे, या उनको देखकर और कुछ प्रेरणा ले सकती थी उनसे। इस बात का दुख है कि आने वाली पीढ़ी को अब कुछ उनके तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की तकलीफ है, बट मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा, अल्लाह से यही प्रार्थना करूँगा कि अल्लाह उनको जन्नत दे और ईश्वर उनको स्वर्ग में जगह दें, जो कि उनकी की हुई चीज़ आज भी हम देखते हैं, आज भी हम सुनते हैं, आज भी करते हैं। तो उनको देखकर हम लोगों ने कुछ करने का एक जुनून पैदा हुआ और आज हमारे बीच वो नहीं रहे। बस ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दें और उनको जन्नत नसीब करें, उनको स्वर्ग दें। हमें अभी पता चला इरफान खान, मशहूर अभिनेता बॉलीवुड के, वो नहीं रहे। सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं इरफान खान भाई को बहुत करीब से जानता था और इरफान खान एक एक्टर होने के साथ साथ कई लोगों के लिए वो अभिनय के स्कूल की तरह भी थे, चाहे किसी रीजन का एक्टर हो या बॉलीवुड के भी बहुत लोग इरफान खान की एक्टिंग की न सिर्फ तारीफ करते थे बल्कि उनमें से बहुत कुछ सीखने लायक थी। उनके हिस्से में हासिल जैसी फिल्म, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में उन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले और हमारे यहाँ के बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार्स भी उनके बीच भी इरफान खान की बहुत इज्जत। विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन अब इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि इरफान खान को
अपने चरणों में स्थान दें और इरफान खान के सभी चाहने वालों को, उनके परिवार के लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें।